हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आधा पार्ट कवर कर लिया था और लास्ट में मैंने स्टेबिलिटी बताई थी कार्बोकैटायन की, जो कि आज हम लोगों को हेल्प करने वाला है अगर आप लोगों ने उस दिन ध्यान दिया होगा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल को पढ़ने में। तो उससे पहले जो भी CBSE के बच्चे, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा चैनल है एक ईजी स्टडी क्लास के नाम से। अगर आप लोगों को फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर इंग्लिश पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं नोट्स के साथ, वहाँ पे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है ईजी स्टडी क्लासेस। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो आपके बुक के लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत सारे रिएक्शन इस पे बेस्ड हैं जो दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों कवर करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे जो मार्कोनिकोफ रूल है। ये इसका जो मैकेनिज्म होता है वो किसके थ्रू प्रोसीड करता है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्कोनिकोफ रूल है तो वहाँ पे सबसे पहले एल्कीन आएगा। अब एल्कीन यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है और इसकी रिएक्शन कराई जाएगी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो यहाँ मैंने HI लिया हुआ है। अब आप एल्कीन में डबल बॉन्ड तो होगा ही, तो आपको डबल बॉन्ड के पास आना है। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब आपको चेक करना है कि ये कितना डिग्री कार्बन है और ये कितना डिग्री कार्बन है। तो अगर हम इस कार्बन पे आते हैं तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक्ड है, जिसके कारण ये 1 डिग्री है। और अगर इस कार्बन पे आते हैं तो ये डायरेक्टली 2 से है, तो ये 2 डिग्री है। तो अब आपको HI को ऐड करवाना है यहाँ इन्हीं दोनों पे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा और आयोडीन कहाँ ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप आयोडीन ऐड कहाँ कराओगे, हाइड्रोजन ऐड कहाँ कराओगे? तो ये 2 डिग्री हुआ और ये 1 डिग्री हुआ। जब आप यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ोगे, अगर आप इस साइड तोड़ते हो तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो आयोडाइड मतलब हैलाइड जो होगा यहाँ पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन इसके जस्ट बगल में। तो बहुत सिंपल है मार्कोनिकोफ रूल। सबसे पहले आपको एल्कीन मिलेगा, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखना है किन दो कार्बन के बीच है। उसके बाद आपको देखना है कि आप कहाँ, इन दोनों में से किस पे आप स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओगे। जो भी कार्बन स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उस पे आपको आयोडाइन का मतलब आयोडीन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हैलाइड का अटैक करवा देना है, और उसके जस्ट बगल पे आपको हाइड्रोजन का अटैक करवा देना है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। और अगर आप ऐसा ना करते कि अगर आप सीधे यहाँ पे आप आयोडीन और यहाँ पे हाइड्रोजन का करवा देते तो ये बनता, जो कि ये माइनर प्रोडक्ट होता। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको ये आंसर करना होगा, ना कि ये, क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेजर प्रोडक्ट ही आंसर जो होता है वही होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका जो एक और रूल है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जो EAR का ही पार्ट है, वो जस्ट इसके अपोजिट है। तो चलिए वो देखते हैं। तो अब आता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। इसका भी मैकेनिज्म जो होगा वो उसी के थ्रू होगा, ER इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल में भी सबसे पहले जो बात होगा वो एल्कीन का होगा, जो सबस्ट्रेट है। इसका पहचान कि एंटी मार्कोनिकोफ करना है, मार्कोनिकोफ करना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में तो आपको एल्कीन ही गिवन होगा, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको प्रोडक्ट किसके थ्रू बनवाना है? तो जब भी एंटी मार्कोनिकोफ होगा तो वहाँ पे HBr के साथ परऑक्साइड ज़रूर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एल्कीन लिया हुआ है, सेम वही एल्कीन मैंने लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उसमें हम लोगों ने अटैक कहाँ करवाया था, यहाँ पे आयोडीन को लगाया था, क्योंकि ये 2 डिग्री था। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे तो अटैक करेगा HI, लेकिन इस पे पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन अगर आपको I का एडिशन यहाँ कराना है और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ कराना है, यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का चक्कर नहीं है, वो मार्कोनिकोफ में था, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देना है। मार्कोनिकोफ में जैसे आप स्टेबिलिटी चेक करते हो, एंटी मार्कोनिकोफ में जस्ट उसका उल्टा कर देना है। मार्कोनिकोफ में आप यहाँ लगाते तो एंटी मार्कोनिकोफ में आप वहाँ लगाओगे। और एंटी मार्कोनिकोफ को पहचान कैसे, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्कोनिकोफ कराएं कि एंटी मार्कोनिकोफ? तो एंटी मार्कोनिकोफ में HBr और परऑक्साइड हमेशा प्रेजेंट होगा। तो ये दो रिएक्शन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोगों को दो नेम रिएक्शन पढ़ना है, जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब वो देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में नाम से क्लियर है कि हैलोजन्स को एक्सचेंज करना है। तो ये स्पेशली जो ये मेथड होता है, ये आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए होता है, एल्काइल आयोडाइड को।
तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इथाइल, आपको यहाँ पे इथाइल लेके या तो इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड लेना है, फ्लोराइड तो नहीं, और आयोडीन को प्रिपेयर करना है तो वो तो लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे या तो क्लोराइड होगा या तो ब्रोमाइड होगा, यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इथाइल मैंने लिया है। उसके बाद इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है आपको। तो यहाँ पे दो जगह आ गया हैलोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसको एसीटोन के प्रेजेंस में करना है। अब आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आ गया यहाँ पे इथाइल आयोडाइड और ये क्लोरीन या ब्रोमीन Na के साथ आ जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टन रिएक्शन, जो कि आयोडीन एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ईजी रिएक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे आते हैं जिसका नाम है स्वर्ट्स रिएक्शन। अब हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन देखना है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो उसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट। ये जो मैं इतने दिनों से दो लेक्चर में कर रही थी कि फ्लोरीन को बनाने के लिए एक अलग मेथड होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो यही रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप कोई भी ले लोगे अल्काइलाइड, यहाँ पे मैंने इथाइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे एक्स की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगा, फ्लोरीन तो प्रिपेयर करना है तो वो तो हो ही नहीं सकता। जैसे वहाँ पे भी हम लोग फिंकलस्टन रिएक्शन जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे भी यहाँ पे या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन होगा। इसकी रिएक्शन करवानी होगी AgF से, और उसके बाद ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नाम है, तो एफ यहाँ जाएगा और एक्स यहाँ चला जाएगा, तो CH3CH2 के साथ एफ लग जाएगा, प्रिपेयर हो गया इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे या तो AG के साथ Cl या फिर Br आ जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वर्ट्स रिएक्शन, जो एक स्पेशल रिएक्शन है प्रिपेयर करने का फ्लोराइड को, एल्काइल फ्लोराइड को। तो हम लोगों ने सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए। अब हम लोगों एक आपके बुक में दिया हुआ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पता करने का, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये हमेशा एक या दो नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब होता क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कोई कंपाउंड आपको दे दिया, ये तो जनरली लैब में ऐसा करवाया जाता है प्रैक्टिकल में, कोई कंपाउंड दे दिया, अब आपको पता करना है कि इसमें डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन है या सैचुरेशन है। सैचुरेशन मतलब होता है कि इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड, सारे कार्बन एटम या जो भी है सब सिंगल बॉन्डेड है। और अनसैचुरेशन मतलब होता है कि या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, एक या दो कितने भी हो सकते हैं। तो हम लोग अब वही एक लास्ट टेस्ट है, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो यही है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको कोई अगर मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, उसका रिएक्शन आपको करना है ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O। ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाते हो तो अगर ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर कर जाता है तो उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। फिर से अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो और उस ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, अगर वो रेडिश ब्राउन कलर उस मॉलिक्यूल में मिलते ही अगर वो गायब हो जाए तो उस मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन होगा, मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिंगल बॉन्डेड होगा, सैचुरेटेड होगा। तो ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन देख लिया, हम लोगों ने एक टेस्ट था जो आपके बुक में वो भी देख लिया। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट जो होगा कि एल्काइलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में उनमें कोई मिक्सिंग नहीं की गई है, तो वो जो होते हैं प्योर होते हैं तो एल्काइलाइड कलरलेस होते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं उनको अगर एक्सपोज कर दिया जाता है लाइट पे प्योर फॉर्म में तो वो कलर्ड अपीयरेंस शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड एंड देन एल्काइल फ्लोराइड। इसका साइज सब जानते हैं, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है क्योंकि वो ग्रुप में सबसे नीचे आता है, ग्रुप में नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसके कारण साइज बड़ी होती जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एल्काइल आयोडाइड का होगा। उसके बाद ब्रांचिंग इंक्रीज़ करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि ये और फिर ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा इससे। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा रहेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इसको पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है, यहाँ पे अगर ये यहाँ तक हीट पहुँचा तो इस तीनों को ये अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये पोलर नेचर के होते हैं जैसे मैंने बताया था, जिसके कारण ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। बाकी आप लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दो पेज का बुक में दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, घुमा फिरा के मैंने सब कुछ जो प्रिपरेशन में भी कुछ बातें बता दी हैं और अभी जो मैंने यहाँ बताया है पॉइंट में, वही बुक में थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा हुआ है, तो बात वही है, बस एक बार समझ लीजिए।
तो ये था पूरा प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो प्लीज़ इस चैनल को ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाइए। थैंक यू।